सो गाइस, हर महीने की तरह मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक जीकेएम की वीडियो मीए 3 के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो इस बार मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि इस बार दो जीकेएम आए हुए थे इसके लिए, तो मैं दोनों को टेस्ट कर रहा था। तो जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा मैंने उस पर वीडियो बना दी और आप देख रहे हैं वही वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको जीकेएम की सेटिंग्स बता देता हूँ आपको क्या करनी है बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको मल्टी फ्रेम्स है एचडीआर प्लस के उसको 20 पे कर देना, वो पहला ही ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिप पैचर का। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं अपने जीकेएम की वीडियोस पे कि इसकी सेटिंग्स बताओ मुझे, इसका क्या मतलब जोरमाला होता है मतलब ये। सो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे दोनों के ही, मतलब मेन कैमरे का भी और वाइड एंगल कैमरे का भी। जी हाँ, इसका वाइड एंगल का भी सपोर्ट है इस जी कैम में। सो आप बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं इससे। तो आपको दोनों के लिप पैचर आप दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं अपने लिप पैचर में। सो अगली सेटिंग्स की बात करें तो आपको जाना ऑटोमेटिक वाइड बैलेंस पे और मेन कैमरे को रख देना IMX586 में, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा मीए 3 है उसमें IMX586 का सोनी का सेंसर है जो कि काफ़ी मस्त है। वाइड एंगल कैमरे को आपको रख देना पिक्सल 3 पे क्योंकि उसके मुझे कलर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगली सेटिंग्स की बात करी जाए तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक एक्स्ट्रास का ऑप्शन मिलेगा। एक्स्ट्रास में जाके आपको ग्रिड्स ऑन कर देने हैं 3x3, 4x3, वो आप पे है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। इससे क्या होगा कि जो आपकी फोटो के अलाइनमेंट वगैरह है मुझे वो बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं, मतलब अलाइनमेंट बहुत ही सही हो जाते हैं और फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अगली सेटिंग्स की बात की जाए तो आपको एडवांस पे जाना है, एक्स्ट्रास के नीचे ही होगा, और वहाँ पे जाके आपको डिसेबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड कर देना है। उससे क्या होगा कि पिक्सल का एक सीन होता है कि जब आप पोर्ट्रेट मोड को दबाओगे तो वो 1.5x जूम हो जाता है, बट अगर इसको आप इनेबल कर दोगे तो वो जूम नहीं होगा। जो आखिरी सेटिंग है वो आपको करनी है यूज नॉन रीस्टार्ट ऑक्स मेथड, जिससे आपका क्या होगा, जो आप जो वाइड एंगल और सिंपल मेन कैमरा में जो आप स्विच करोगे उसके लिए आपको क्या होता था पहले कि आपका पूरा कैमरा का जो सिस्टम की जो ऐप है वो बंद हो जाता था और फिर से रीस्टार्ट होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब आपका सीमलेसली चेंज हो जाएगा आराम से मेन कैमरा और वाइड एंगल कैमरा में। और आपको बता दूं कि ये अपने जो मेन कैमरा जो हमारा जो स्टॉक कैमरा है उससे भी काफी ज्यादा तेज होता है इसमें, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। सो अब बढ़ते हम अपने सैंपल्स की तरफ क्योंकि यही तो हम वीडियो में दिखाते ज्यादातर। तो सबसे पहले आपको मैं फ्रंट कैमरा के सैंपल्स दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त आए हुए हैं। और आपको इसके लिए एक और सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको नीचे मतलब आपको अपना स्क्रॉल डाउन करना है, उसको HDR प्लस पे कर देना है, और साथ के साथ जो आपका ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस है उसको भी आपको ऑन कर देना है हमेशा के लिए। सो अब जब आप फोटोज़ खींचोगे काफ़ी ज़्यादा पंची सी फोटोज़ आएंगी और काफ़ी ज़्यादा मस्त फोटो आप देख सकते हैं। ये जो मेरी टर्बन का कलर है ये ऐसा तो नहीं था, बट ये काफ़ी पंची लग रहा है और मुझे मतलब ये आईफोन सी लुक आ रही है, तो मुझे काफ़ी मस्त लगी ये चीज़। अब आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट मोड से भी खींचा हुआ है, पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और डिटेलिंग देखेंगे डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, स्टॉक कैमरा से तो काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट कैमरा में मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया फोटो खींच के। सो आप देख सकते हैं कितनी सही फोटोज़ आई हैं। अब चलते हैं बैक कैमरा में, तो बैक कैमरा की फोटोज़ आप देख सकते हैं। सो आप देख ही पा रहे होंगे फोटोज़ काफ़ी अच्छे ही है। और साथ आपसे मैंने अपना एक सच छुपाया है क्योंकि मतलब आपको पता होगा कि थैनोस को थॉर ने मारा था, बट ऐसा नहीं है, उसको मैंने मारा था। प्रूफ चाहिए आपको तो आप देख सकते हैं ये है थैनोस का दिल। सो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के लिखना कैसा लगा और आपको मेरी बहादुरी का मतलब कैसा लगी ये चीज़। सो अगली फोटोज़ की तरफ चले तो आप बैक कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोज़ देख सकते हैं कितनी सही फोटोज़ आती है, मतलब एकदम इतनी अच्छी फोटोज़ मतलब आप ले नहीं सकती है नॉर्मल कैमरा से, तो ये जी कैम से हो सकता है। सो मतलब मस्त फोटोज़ आती है ये। और जो अभी मेन चीज़ आती है वो है हमारा वाइड एंगल कैमरा, तो इसमें मतलब जो अगर आप डे लाइट की बात करें तो बेस्ट वाइड एंगल कैमरा चल रहा है इस मतलब इस मॉड्यूल में जी कैम के। सो आप देख सकते हैं कितनी सही फोटोज़ आती है। सो मतलब आप देख ही पा रहे होंगे नॉर्मल फोटोज है, और पोर्ट्रेट फोटोज़ तो और भी ज़्यादा अच्छी है। पोर्ट्रेट फोटोज़ आप देख सकते हैं, अगर आप डिटेलिंग को साइड में रख दें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल फोटो को आराम से देखें तो आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटो आई है, मतलब आपका दिल मतलब एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, इतनी सही फोटो आई है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी फोटो। डिटेलिंग तो आप कह ही सकते कम होनी ही है क्योंकि वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर और कोई मतलब इतना खतरनाक सेंसर है नहीं वो, तो तभी भी इतनी अच्छी फोटोज आ रही है तो आप खुश हो जाइए। सो इससे ज़्यादा उम्मीदें हम इससे कर भी नहीं सकते। अगले सैंपल्स की बात की जाए तो आपको मैं नाइट शॉट के सैंपल दिखाऊंगा। तो नाइट शॉट में मेरे को वाइड एंगल कैमरा थोड़ा सा कमज़ोर लगा, बाकी जो हमारा मेन कैमरा है वो तो एकदम सही चल रहा है हमेशा की तरह। आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल फोटो और ये है हमारी जो नाइट साइड के बाद, तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होता है इसमें और काफ़ी मतलब क्लियर फोटो आती है। तो आप ये फोटो देख सकते हैं, ये मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड ऑन करके खींची हुई है, काफ़ी अच्छी फोटो आई है। थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा था तो आपको ज़्यादा स्टार्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आप गौर से देखें तो आपको डिटेलिंग्स इतनी ज़्यादा दिखी, वो भी इतनी रात को, मतलब आप देख सकते हैं पेड़ के पत्ते भी एकदम अच्छे से क्लियर से दिख रहे हैं और वीडियो कॉन का जो डिश टीप है वो भी कितना अच्छा दिख रहा है, बट स्टार्स तो दिख ही रहे हैं तो वो तो काफ़ी सही बात है। बट अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन करके एक नाइट फोटो खींचेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी आती है, तो इससे हमें ये प्रूफ होता है। अब चलते हैं हम अपने वीडियो के सैंपल में, तो वीडियो का सैंपल आपको मैं सिंपल 4K का एक सैंपल दिखा देता हूँ। 4K वीडियो खींची हुई है मैंने ये कुछ 23 सेकंड किया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाती है इससे।
और फोकसिंग का भी कुछ ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है फोकस होने में बट आराम से हो जाता है फोकस भी। सो वीडियो का भी कुछ ऐसा सीन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगी ये सैम्पल्स और हमारी वीडियो। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और अभी नया फ़ोन लॉन्च हुआ है मोटोरोला का E7 Plus, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get a hold of you all night.